करता हूं, आप उन लोगों को बुलाइए, पूछिए कि क्यों काम नहीं हो रहा है, क्यों ये लोग सफर कर रहे हैं। मैं कैप्टन जोधवीर सिंह चैत आज बड़ी खुशी और हर दिल की गहराइयों से मैं ये आज निवेदन कर रहा हूं और खुशी मना रहा हूं जो हमने आज तिरंगा झड़ाया है और वो लोग जिन्होंने बड़ी मेहनत से लगन से कुर्बानियां देकर इस देश को आज़ादी कराई थी और अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाया था। मैं उन लोगों को भी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको भी बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ ही मैं सभी अपने रिफ्यूजी भाइयों, दूसरे भाइयों या देश के सब प्रतिनिधियों से ये कहना चाहता हूं कि ये दिन हमारे लिए एक बड़ी खुशी का और हर्षोल्लास का दिन है। इसको हर आदमी ने मनाना चाहिए और ये दिन ऐसे नहीं मिलते हैं। इसके ऊपर करोड़ों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हुई हैं तब हमें आज़ादी मिली है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। मोदी जी ने बहुत सख्त स्टेप लिए हैं। जो आज तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं सब अपनी डफली बजाते हैं और बातें करते हैं, लेकिन मैं उनको बड़ी बड़ी मुबारकबाद देता हूं। जो उन्होंने किया है वो किसी से कम नहीं है ना होगा, क्योंकि ऐसे लोग जो दुनिया में कम ही पैदा होते हैं जैसे मोदी जी ने वो मिसालें कायम की हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, वो हमारे भाई, वो हमारे लोग जो आज प्रोटेस्ट पर हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जिनकी तकलीफात पूरी नहीं हो रही हैं, मैं गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से अरदास करता हूं, मेहरबानी कर गवर्नर साहब आप खुद इनिशिएटिव लीजिए, इन लोगों को बुलाइए, इनके साथ मुलाकात कीजिए, इन लोगों की तकलीफात सुनकर जो है वो खुद आप फैसला दीजिए, क्योंकि ये लोग बड़ी मेहनत के साथ और कई सालों से जो है संघर्ष करते आ रहे हैं, जैसे कि POJK के DP फ्रंट हैं और हमने जो 35 साल जिंदगी लगा दी है वो इसी के ऊपर लगाई है, लेकिन फिर भी हमारे मसले जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। सिर्फ 5.5 लाख देने से मसला हल नहीं होता है। JPC रिपोर्ट में हमें हमारे लिए रिकमेंडेशन हुई थी कि तमाम रिफ्यूजी को 30 लाख रुपया दिया जाए, वो कब मिलेगा? अभी जो मोदी साहब ने 2000 करोड़ रुपया बांटा दिया था वो भी नहीं अभी बांटा है। क्यों नहीं बांटा है? यहाँ के करिंदे जो छोटे लेवल से लेकर ऊपर तक जाते हैं उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये गरीब आदमी भागा भागा भाग रहा है, कोई किसी के पास जाता है, किसी के पास जाता है। दूसरा मैं उन लोगों को कमीशन साहब से यह अरदास करता हूँ, मेहरबानी करके आप खुद एक्शन लीजिए और इन लोगों को बुलाइए, मीटिंगें कीजिए, लेकिन जो 5.5 है ये भी दिया जाए और उसके अलावा जो बाकी बचता है वो भी जल्दी फौरन रिलीज किया जाए ताकि लोगों को हौसला मिले, लोग खुश हों। जय हिंद, जय भारत।